बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां का वोटिंग मीटर सामने लेकर हम आ चुके हैं टीवी स्क्रीन पर। बता दें मध्य प्रदेश में आज तीसरे चरण के लिए 9 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। अगर सुबह 9 बजे तक की आंकड़ों की बात करें तो 14.7% मतदान मध्य प्रदेश में हुआ है। अगर बात हम राजगढ़ की करें तो राजगढ़ में 16.57% मतदान हुआ है। विदिशा में सुबह 9 बजे तक 15.85% मतदान हुआ है। वहीं अगर बात करें बैतूल की तो 15.97% मतदान हुआ है। बता दें आज हम मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के 9 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और सुबह 9 बजे तक का वोटिंग मीटर हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं। भोपाल की बात करें तो भोपाल में 13.61% मतदान हुआ है। गुना की बात करें तो गुना में 16.43% मतदान हुआ है। वहीं ग्वालियर में 11.5% मतदान हुआ है। मुरैना की बात करें तो मुरैना में 12.43% मतदान हुआ है। वहीं राजगढ़ में 16.57% मतदान हुआ है। सागर में 14.58% मतदान हुआ है। वहीं विदिशा में 15.85% मतदान हुआ है। ये हम सुबह 9 बजे तक का वोटिंग मीटर आपके सामने ला चुके हैं मध्य प्रदेश का। बता दें मध्य प्रदेश में आज तीसरे चरण के तहत, लोकसभा चुनावों के तीसरे चरण के तहत 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में 13.61% मतदान हुआ है। वहीं ग्वालियर में 11.5% मतदान हुआ है। मुरैना में 12.43% मतदान हुआ है। राजगढ़ में 16.57% मतदान हुआ है। विदिशा की बात करें तो विदिशा में सुबह 9 बजे तक 15.85% मतदान हुआ है। बता दें आज लोकतंत्र का महापर्व है, इसी के तहत मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर आज मतदान हुआ है। 9 बजे की बात करें तो 9 बजे तक 14.7% कुल मतदान हुआ है मध्य प्रदेश में। बैतूल की बात करें तो 15.97% मतदान हुआ है। भोपाल की तरफ चले तो 13.61% बात, गुना की बात करें तो 16% मतदान हुआ है। ग्वालियर की बात करें तो 11.5% मतदान हुआ है। वहीं राजगढ़ की तरफ चले तो 16.57% मतदान हुआ है। विदिशा की बात करें तो 15.85% मतदान सुबह 9 बजे तक हुआ है। और यहां सुबह 9 बजे तक का वोटिंग मीटर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज बता दें 9 सीटों पर मतदान जारी है। इसी के तहत 9 बजे तक कुल मतदान मध्य प्रदेश में 14.7% हुआ है। बैतूल में 15.97% मतदान हुआ है। वहीं गुना में 16.43% मतदान हुआ है। मुरैना की बात करें, मुरैना में 12.43% मतदान हुआ है। वहीं सागर में 14.58% मतदान हुआ है।